अमिताभ बच्चन के डबल रोल वाली फिल्म सूर्यवंशम तो आपको याद ही होगी। इस फिल्म में छोटे भानु प्रताप का रोल निभाने वाले बच्चे के दो सीन खूब फेमस हुए थे, जिसमें वो बच्चा जब पहली बार स्कूल के बाहर अपने दादाजी से मिलता है। इसके अलावा वो जहर वाली खीर जिसे खाकर फिल्म में बड़े भानु प्रताप अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं, ये वही खीर थी जिसे छोटा भानु प्रताप अपने पिता से लेकर आया था। फिल्म में इस छोटे से बच्चे की मासूमियत ने लोगों को खूब इम्प्रेस किया। फिल्म को रिलीज हुए 25 साल बीत चुके हैं। इस बच्चे का नाम आनंद वर्धन है। देखिए तस्वीरों में कि ये बच्चा अब कैसा है, हैंडसम हंक बन चुका है। सूर्यवंशम में आनंद वर्धन ने हीरा ठाकुर के बेटे और भानु प्रताप के पोते का रोल निभाया था। ये बच्चा उस वक्त काफी छोटी उम्र का था, लेकिन इसके रोल ने फैंस को ऐसा इम्प्रेस किया कि लोग आज भी फिल्म को बार बार देखना पसंद करते हैं। ये बच्चा बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट 25 फिल्मों में काम कर चुका है, लेकिन पढ़ाई की वजह से फिल्मों से अब दूरी बना ली। आनंद वर्धन अब 33 साल के हैं, हैंडसम हंक हो गए हैं। इनके पिता पीबी श्रीनिवास एक जाने माने सिंगर थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पिता के सिंगर होने की वजह से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का घर पर आना जाना रहता था। इन्हीं में से किसी को इस बच्चे की क्यूटनेस भाग गई और फिल्मों में कास्ट कर लिया। आनंद ने महज 3 साल की उम्र में फिल्मों में एंट्री की थी। इनकी पहली फिल्म प्रियारागलु थी। आनंद वर्धन आखिरी बार तेलुगु फिल्म नेनु नानु में नजर आए थे। इसके बाद आनंद वर्धन ने फिल्मों से किनारा कर लिया और पढ़ाई पर फोकस किया। आनंद ने कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया है। फिलहाल पढ़ाई पूरी करने के बाद वो सोशल मीडिया पर फैंस से जुड़े रहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वो जल्द ही तेलुगु फिल्म में नजर आ सकते हैं। बॉलीवुड से जुड़ी और भी ऐसी अपडेट के लिए फिल्म फ्रंटलाइन को सब्सक्राइब करें।